जय महाराष्ट्र। अरे अभिनंदन, मुबारक हो, महाराष्ट्र में राज ठाकरे आ गया, राज ठाकरे आ गया, राज ठाकरे आ गया, मुख्यमंत्री के लिए राज ठाकरे आ गया। अरे इतना क्यों चिल्ला रहे हो, उल्टी सीधी कहानी बता रहे हो, राज जी का कहां राज आ गया? सॉरी, मैं खुशी के मारे उल्टा सीधा बोल गया, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में ठाकरे राज आ गया, ठाकरे राज। मन से नहीं, जुबान से। थैंक यू, थैंक यू। तो एक बात बताओ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी अभी गए, कितने घंटे के मुख्यमंत्री थे? 79 घंटे के थे। और 79 घंटे के मुख्यमंत्री को किसने भगाया? शरद पवार जी ने, क्योंकि वो भी 79 के। ओ, ये आंकड़ा है 79+79, उम्र जनता तक के 80 घंटे पे ये रिकॉर्ड पहुंच, मामला निपट गया। इसलिए कैसे कहते हैं ना कि अब ये मामला सही हो गया, इसलिए कल 5 बजे, क्यों शरद जी के मायने क्या होते हैं, कौन सी ऋतु? शरद ऋतु ने साबित कर दिया कि मेरे सामने सब ठंडे हो जाएंगे और कल नई सरकार 5 साल के लिए 5 बजे शपथ ग्रहण करेगी। नई सरकार, समझे सरकार जी। इनकी भी कुछ सुन लो, ये कुछ कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने सबका जो है सबकी बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अजीत पवार जी का कोई कोऑपरेशन नहीं? अरे मेरे लाल, किसकी याद दिला दी? नहीं, सवाल भाजी बहन का रोशनी डालिए। अजीत पवार साहब, ये क्या कर दिया आपने? अरे लोगों की मती मारी जाती है, आपकी तो 12 मती मारी गई है। अजीत पवार जो है, हाँ, वो अजीब पवार हो गए, अजीब पवार। इतनी गलतियां कर दी कि चाचा के सामने एक ही गाना गा रहे हैं, माफ करो चाचा चा, गलती हो गई चाचा चा, पैर छुओ चाचा चा, मुझे परख लो चाचा चा, हाँ खाना बनाओ चाचा चा, पार्टी बनाओ चाचा चा, चाय पिलाऊ चाय पिलाऊ चाचा चा। लेकिन अब चाचा जो है ना, कुछ सुनने को तैयार है ना कुछ कहने को तैयार है। असल में क्या है, महाराष्ट्र का वोट बैंक का कॉपरेशन अजीत दादा को क्यों नहीं मिला पता है? क्यों? क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के कॉपरेटिव बैंक का उन्होंने घोटाला किया। ओ, ये बात, महाराष्ट्र के कॉपरेटिव बैंक का घोटाला किया, इसलिए महाराष्ट्र का वोट बैंक का कॉपरेशन उनको नहीं मिला। जैसी करनी वैसी इल्जाम है, यस, उन पे घोटाले का इल्जाम है। हाँ, अच्छा अच्छा, ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, बड़ी देर से इधर आ। अरे भाई साहब, मुझे सोनिया गांधी जी के बारे में बताइए, उनका कोई सहयोग है कि नहीं? सोनिया गांधी एक सन की माँ, एक सन, हाँ सन, हाँ, राहुल की माँ, पुत्र की माँ। हाँ, अरे भाई, जैसे शरद पवार साहब ने हमारे उद्धव ठाकरे साहब को सपोर्ट किया, वैसे सोनिया जी ने उनको, उद्धव ठाकरे को बहुमत दे दिया। अरे वाह, बिना ये समझे बिना ये जाने कि उनके खुद के पास बहू नहीं है। इसे ही कहते हैं पॉलिटिक्स। चलो पॉलिटिक्स तो छोड़ते हैं, नया साल आ रहा है, सबको 2020 की बधाई दे दीजिए। अरे 2020 की बधाई तो मैं ऐसे ही दूंगा कि मतलब आपका 2020 खुश हो जाएगा। 2020 ऐसा लगेगा आप 2020 खेल रहे हो। जैसे देखिए साल के एंडिंग में, हाँ, इस 2019 साल के एंडिंग में, यस, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे, साल के एंडिंग में यानी 2020 आने वाला है नई सरकार के साथ। बिल्कुल, तो 2020 आएगा, ओके, यानी कि पुराना मुख्यमंत्री फटना 20 जाएगा। और अजीत दादा का 20 तो रह ही गया। इसका मतलब ये है, हाईलाइट और इत्तेफाक की बात है कि हमारे उद्धव साहब महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री है और शिवसेना के 20 साल के बाद मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वाह वाह वाह, 20 20 20 20, व्हाट अ इत्तेफाक, 2020 का इत्तेफाक। यानी उद्धव जी का क्या शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण है, उद्धव जी शपथ ग्रहण करेंगे। yes. और वहां फडणवीस साहब उनके शपथ को ग्रहण लग गए। लेकिन उद्धव फडणवीस साहब कहेंगे, मैं तुम्हारा फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, और वो कौन सा गाना गाऊंगा, कौन सा गाना गाऊंगा, दुश्मन न करे, दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, 5 साल का हमें ये नाम दिया है। लेकिन लेकिन एक बात है भाई, देखो केंद्र में बैठे हुए बिग बॉस
यानी हमारे पीएम साहब, हमारे अमित शाह साहब, इनको बोलेंगे चिंता ना कर बेटा, तुझे स्टेट से हम सेंटर में बुला लेंगे, तो कैसे बधाई देंगे। मैं कहता हूं कि हमारे पीएम साहब को मैं सलाम करता हूं, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी है जी। भाई देखिए, सरकार किसी की भी बने, प्रधानमंत्री सबका है। यस बिल्कुल, पूरे देश के मित्र, महाराष्ट्र के भाई बहनों, मैं उद्धव राव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद के लिए शुभकामना देता हूँ। उन्होंने जो पद यात्रा की है मुख्यमंत्री पद के लिए जी, पदयात्रा को मैं सम्मानित करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत पदयात्रा की। वाह क्या बात, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ, इसलिए मुख्यमंत्री होने की खुशी जानता हूँ और कर्तव्य जानता हूँ और जिम्मेदारी जानता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो महाराष्ट्र आपको मुबारक हो नया सीएम, महाराष्ट्र आपको मुबारक हो नया सीएम, ये तय दिल से दुआ दे रहा है आपको आपका पीएम। और साथ में अमित शाह जी भी है, वो भी कुछ गाना गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अमित शाह साहब? भारतीय जनता पार्टी ने और भाई नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है मित्रों कि हमारे महाराष्ट्र में आपको जो राज मिला है, ये राज और राजा की तरह हो, आपका मुख्यमंत्री हो सोहन शाह, ऐसा शब्द दे रहा है आपको अमित शाह। वाह, आपके काम हो भले भले, आपके विकास के सारे काम हो भले 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 भले, यही भगवान से प्रार्थना कर रहा है मशहूर शायर रामदास आठवले। तो आप सबको नई राजनीति मुबारक हो, नई सरकार मुबारक हो, और साथ में आने वाला नया साल दिल से मुबारक हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।